भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और ऐसे में अब सबकी बड़ी समस्या लोगों के लिए राशन हो गई है, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर, राशन की मार झेल रहा है। मुंब्रा में भी कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, मगर ऐसे में अब कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने इनके राशन के लिए कदम बढ़ाया है। आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन में मुंब्रा के सभी राशन की दुकानदारों से मीटिंग की गई और सभी राशन कार्ड धारकों को राशन दिया जाना चाहिए। जितेंद्र भाट ने बताया कि कार्ड कोई सा भी हो उसे राशन दिया जाए, वो सरकार से ऐसी मांग कर रहे हैं। किसी भी गरीब के पास राशन कार्ड नहीं है तो उसे तत्काल राशन कार्ड बनवा कर दिया जाए ताकि सभी को अनाज मिल सके। ये भी बताया कि 1 या 2 अप्रैल से करीब BPL कार्ड के 52,000 लोग हैं, उन्हें 3 महीने का राशन दिया जाएगा। ये हम पूरे महाराष्ट्र से में देख रहे हैं कि लोग कुछ लोगों को अनाज मिलने वाला, वो 2 तारीख से शुरू हो जाएगा। कार्ड के जो BPL कार्ड है, जैसे मुंब्रा में 52,000 कार्ड है, उनको 1-2 तारीख से 3 महीने का राशन मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये बार किधर भी हम कम नहीं करेंगे, पर हमने गवर्नमेंट से ये मांग रखी है, मोदी जी और CM से हम ये मांग कर रहे हैं कि हर गरीब आदमी को, अगर उसके पास रेशन कार्ड नहीं है तो तुरंत उसका रेशन कार्ड 2-3 दिन में बनाने को लो, लेकिन हर आदमी जिसके पास रेशन कार्ड है, आप समझे, रेशन कार्ड जिसके पास है, भगवा वाइट वो नहीं, हम बोल रहे हैं रेशन कार्ड जिसके पास है उसको अनाज देने की सुविधा करो, दाना पानी उसको मिलना चाहिए। अपने पास पहली बार इतनी बारिश हुई और इतना अनाज उगा है कि हमारे पास FCI में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, हर साल के दुगना हमारे पास स्टोर्ड है, तो इसके इस्तेमाल करो और लोगों को अनाज दो, ये हमारी मांग है और हम ये आगे रखे हैं कि हर आदमी जिसके घर में रेशन कार्ड है उसको अनाज मिलना चाहिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।